नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी में। इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको कि आप अपने जे मेन्स के एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि सेंटर कहाँ पड़ा है आपका। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है, कोई सा ब्राउजर, मोबाइल में या कंप्यूटर में, ठीक है। ओपन करने के बाद जे मेन्स के साइट पर जाना है, JEE MAINS मीन्स, ठीक है। क्लिक करके सर्च मारना है जेई मीन्स, ठीक है। यहाँ पे आ गया JEE MAINS.NIC.IN, इस पर क्लिक करना है आपको। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पहले ऑप्शन दिखा देगा, डाउनलोड जेई मीन्स अप्रैल 2019 एडमिट कार्ड। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन देगा आपको, थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड, और दूसरा नंबर है थ्रू एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ। तो मैं दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, मैं दोनों ऑप्शन से दिखा देता हूँ आपको। तो एप्लीकेशन नंबर वाले तरीके से अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या लॉगिन करना चाहते हैं तो आपको पहले एप्लीकेशन नंबर डालना है यहाँ पर, या सिंपली आप लॉगिन करें यहाँ पर जैसे आप लॉगिन करते हैं जनरली। मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, अभी पासवर्ड डालना है। अब यहाँ पे कैप्चा डालना है, लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा कुछ पेज दिखेगा और जहाँ पर नीचे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए एक ऑप्शन देगा। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप, आपका एडमिट कार्ड, और यहाँ पर अगला टैब खुल गया, और फिर से यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं आप लोग, डाउनलोड हो चुका है, ये रहा आपका एडमिट कार्ड, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको जो वेन्यू ऑफ टेस्ट जो दे रखा है, यहाँ पर आपको सेंटर का नाम दे रखा है और जिस दिन आपका एग्जाम होगा वहाँ पर, वो यहाँ पर दे रखा है आपको, और रिपोर्टिंग टाइम वगैरह यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ आप, नाउ दोबारा से JEE MAINS की साइड में जाना है, JEE MAINS JEE MAINS आ गए यहाँ पे। अब आपको फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद डेट ऑफ बर्थ इस वाला फॉर्म में जाना है और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डालना है आपका, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है, यहाँ पे कैप्चा फिलअप करना है E8 9, और फिर से यहाँ से लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपको डायरेक्टली ये दिखा देगा, डाउनलोड योर एडमिट कार्ड, ठीक है। जहाँ जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपका अगेन एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, तो और आप पता कर सकते हैं आपका सेंटर कहाँ पर है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में इस बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।